ए वर्ष शीत टिके अधिक हेला भली लागुछि कारण आमे समस्ते बाहर को बाहरिला बेळकु थरी जाउछे किंतु आम ओडिसा ठु आहुरी अधिक शीत उत्तर भारतर विभिन्न राज्य रे देखा जाउछि। दिल्ली एवं पंजाब रे तापमात्रा 4-5 डिग्री सेल्सियस रे पहुंची जाइछि। आपण जानि रखिबा दरकार जे 0 डिग्री सेल्सियस रे पानी बरफ रे परिणत होइ जाय। एमिति कि राजस्थान रे किछि जगह रे रात्रि समय रे तापमात्रा -1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। काश्मीर रे त ए वर्ष -10-20 डिग्री सेल्सियस साधारण कथा पलटि गलाणी किंतु हम मन रे एही प्रश्न आसीबा स्वाभाविक जे ए वर्ष एते शीत कोन पई हेउछि। किंतु मु जदि आपण को कहे एही शीत एक बड़ पाणीपाग परिवर्तन रो पूर्व सूचना हेइ पारे तो आपण चमकी पड़िबे किंतु यहा सत अटे। वैज्ञानिक माने एमिति पाणीपाग परिवर्तन को एक बड़ धरणर चेंजर पूर्व आभास भावे ग्रहण करुछंती। एही किछि मास पूर्वरु अमेरिका एवं कानाडा रे एक घूर्णिझड़ आसीथिला। एही घूर्णिझड़ पाणीपाग को एते परिमाण रे प्रभावित कला जे यहार ना बम रखागला। बम द्वारा प्रभावित अंचल रे अचानक तापमात्रा 30 डिग्री सेल्सियस कमीगला। शीत दिन रे एमिति तापमात्रा कमिबा सेठाकार लोकमानंकर जीवन नरक बनै देला। अमेरिकार किछि अंचल रे तापमात्रा -45 डिग्री सेल्सियस पर्यंत चलीगला। एही घूर्णिझड़ प्रभाव रे 20 जन लोक मृत्युबरण कले एवं हजार हजार संख्या रे पशु बरफरे जमी मृत्युबरण कले। ध्यान रखिबा कथा यहा जे कानाडा एवं अमेरिकार जेउं भाग घूर्णिझड़ भयंकर थंडाणी आसिला सेही अंचल रे रहुथिबा लोकमाने खरा दिन रे भयंकर गरम फेस करथिले। सेठाकार लोकंकर कहिबा कथा हला जे सेमाने निज जीवन रे एमिति भीषण गरम केबे देखि नथिले तो कण भयंकर थंडाणी थिबा एही घूर्णिझड़ सेही गरम जोगु बनिथिला। एही प्रश्नर उत्तर एबे भी वैज्ञानिक माने खोजुछंती। एमिति तापमात्रा परिवर्तन उपरे वैज्ञानिक माने दुई प्रकार मत रखती। प्रथम मत अनुसार अत्यधिक जानवाहन एवं कलकारखानार धुआं जो पृथ्वीर पाणीपागरे व्यापक परिवर्तन देखा दउछि जेउथिपाई केबे गरम बढ़ी जाउछि तो केबे भयंकर घूर्णिझड़ आसी जाउछि। किंतु अन्य वैज्ञानिक मानकर मत हला जे एही छोट मनीषर कामरे प्रकृति एते परिवर्तन हेइजिबो एहा विश्वासजोग्य नुहे। बरं पृथ्वी ता निज नियम अनुसार चली थाए एवं बहु जल्दी एक बरफ बा हिमजुग आसिबक जाउछि। थरे आरंभ हो गले एही हिमजुग हजार हजार वर्ष पर्यंत चलिबो। पृथ्वीर 4.5 अरब वर्षर जीवन रे एमिति अनेक हिमजुग आसीछि। प्रति हजार हजार वर्षर व्यवधान रे पृथ्वी सूर्य चारिपाखरे घूरिबार दिग अल्प बहुते परिवर्तन होइथाय जहाँ फल रे सूर्यर मिलुथिबा आलोक पृथ्वी उपरे एते भल से पड़ी पारे नाही। एही कारणरु थंडा धीरे धीरे बढ़िबाक लगे। आम पृथ्वीरे आसीथिबा लास्ट हिमजुग आजकु 10,000 वर्ष पूर्वे शेष होइथिला एवं बर्तमानर मानव सभ्यता ता परठु आगकु बढ़िछि। किंतु वैज्ञानिक मानक कहिबा कथा जे प्रति 10,000 वर्ष रे पृथ्वीर तापमात्रा रे परिवर्तन एक साधारण कथा अटे। एणु एबे एक्सपेक्ट करा जाउछि जे धीरे धीरे पृथ्वी रे पुणी थरे हिमजुग आसी पारे। हिमजुग द्वारा पूरा पृथ्वीर भौगोलिक स्थिति बदली जीव। बरफ द्वारा उच्चा पहाड़ एवं उपत्यका दबी जीव। नदीगुड़िक बरफ पलटि जीवा जोगु सुखी जीवे एवं समुद्रर पानी भी जमी जीव। भारत भली गरम देशरे परिस्थिति एते खराब न होई पारे किंतु यूरोप रशिया एवं उत्तर अमेरिका रे रहुथिबा लोकंकु भयंकर थंडार सम्मुखीन हेबाक पड़िबो। सेठारे चाष होइथिबा सब प्रकार फसल नष्ट होइजिबो एवं अत्यधिक थंडा जोगु पावर प्लांट ठू आरंभ करि गाड़ीर इंजिन पर्यंत स्टार्ट हेबो नाही जहाँ फल एठारे रहुथिबा लोकमानंकु अन्य देशकु पलायन करिबाक पड़िबो। सीमित क्षेत्र रे एते लोकंक आगमन जोगु चारियाडे खाद्यर अभाव घटिबो एवं खाद्य अभावरु बहुत लोक मृत्युबरण करिबे। पुणी थरे हिमजुग जे मानव सभ्यता पाई काल हेबो ए कथाकु केही एड़ै जाई पारिबेनि। किंतु एही हिमजुग केते जल्दी आरंभ हेबो ताहा केवल प्रकृति ही कही पारिबो। फ्रेंड्स भिडियो जदि आपन को पसंद आसिला तो गोटे लाइक निश्चय दियंतु। ता सहित एही ज्ञानवर्धक भिडियो को फेसबुक व्हाट्सएप रे शेयर करी अन्य मानकर भी ज्ञान बढ़ेबारे मूल्यवान सहयोग करंतु।